श्रेष्ठ श्रमण श्री अनाथी मुनि सनात सिद्धिपदनी प्राप्ति मगधना सम्राट श्रेणिक बिंबसार वन विहार माटे निकल्या हता। त्यारे वृक्षनी नीचे पद्मासन लगावीने बैठेला ध्यानस्थ मुनि पर एमनी दृष्टि पड़ी। मुनिराजनी प्रसन्न मुखमुद्रा तेजस्वी कपाल अने रमणीय रूप जोईने सम्राट श्रेणिक आश्चर्य में पड़िया अने मनोमन विचार करवा लाग्या कि संसार जीवन एवो ते केवो हृदय विदारक अने आघातजनक अनुभव थयो हशे कि जेथी एमने साधुताणो त्यागपूर्ण मार्ग ग्रहण कर्यो हशे। मगध नरेशे प्रणाम करी मुनिराजने प्रश्न कर्यो, मुनिराज युवानीनी मोहर रेली वसंत में संसारनो सुखो छोड़ीने शा माटे तप त्यागथी भरेली दीक्षा ग्रहण करी? आवी कंचनवणनी कायम तेजस्वी तरुण अवस्था अने नेत्र दीपक चेहरो जोईने मने सवाल जाग्यो छे कि आपे छलकाती युवानी में संसार संपत्ति अने प्रियजनोनो परित्याग केम कर्यो? मुनिराजे हेत भर्या स्वरे कह्यु, हे राजन, आ संसार में हूँ साव अनाथ हतो। मने बचावनारो कोई रक्षक के गाढ़ मित्र न हता। आवी अनाथ स्थिति नी कारणे ज मैं संसारनो त्याग कर्यो। सम्राट श्रेणी खड़खड़ात हसता कह्यु, अरे मुनिवर, जो आप आवी अनाथ स्थितिनो अनुभव करो छो तो हूँ तमारो नाथ बनीश। वड़ी मारा जेवो सम्राट तमारो नाथ बनशे एटले तमने गाढ़ मित्रों, परम स्नेहीओ, निकटना संबंधीओ अने खड़े पगे रहेनारा सामे चालीने मळी आवशे। एमना सहवासमां रहीने तमे सुखपूर्वक सत्ता, संपत्ति, सामर्थ्य अने सौंदर्य सगलू भोगावी शकशो। संसारनुं कोई सुख तमने अप्राप्य नहीं होय। मुनि, चालो हवे हूँ तमारो नाथ छू। आवी भर युवानीमां लीधेला साधुता छोड़ीने मारी साथे मारा विशाळ राज्यमां पधारो। सम्राटनी आ वातना प्रत्युत्तरमां मुनिराजे कह्युं, हे मगधराज, ज्यारे तमे खुद अनाथ छो पछी मारा नाथ कई रीते बनी शकशो? तमारी जेम ज अपार संपत्ति ने समृद्धि मारे पासे थी, परंतु एक वार मारी आँखमां पीड़ा उत्पन्न थई अने शरीरना प्रत्येक अंगमां दाह जाग्यो त्यारे अनेक निपुण वैद्याचार्यो पिताની સઘળી સંપત્તિ કે માતાનું મધુરું વાત્સલ્ય મારી પીડા ઓછી કરી શક્યા નહીં। સર્વ શ્રૃંગારનો ત્યાગ કરનાર પતિ પરાયણ મારી પત્ની કે મારા ભાઈ બહેન પણ સાત્વમ્ન અને રુદન સિવાય કશું કરી શક્યા નહીં। આવી હતી મારી અનાથતા। આ અનાથતાને દૂર કરવા માટે અને એ વેદનાથી મુક્ત બનવા માટે મેં સર્વ વેદનાનાશક એવી દીક્ષા લેવાનો વિચાર કર્યો। જે રાત્રે એવો સંપલ્પ કર્યો કે હું સાજો થઈશ તો આ સંસાર છોડી દઈશ, તે રાત્રિ પસાર થવાની સાથોસાથ મારી વેદના ઓછી થવા લાગી। પ્રાતકાલે તો સાવ નિરોગી બની ગયો। દીક્ષા અંગીકાર કરીને નીકળેલા મારા જેવા અનાથને ભગવાન મહાવીર જેવા સાચા નાથ મળ્યા। શાસ્ત્રો કહે છે કે આત્મસંધાનની અંતિમ સીમાએ પહોંચી અનાથી મુનિ સદાય સનાત દશારૂપ સિદ્ધિ ને ભર્યા।